गोरखपुर में तैनात एक होमगार्ड ने कहा कि एसपी ट्रैफिक अतित प्रकाश वर्मा के उत्पीड़न के कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। जिला अस्पताल में भर्ती होमगार्ड विनोद शर्मा ने एसपी ट्रैफिक पर अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं जब इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने एसपी ट्रैफिक अतित प्रकाश वर्मा से बात की तो उन्होंने होमगार्ड के सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उस होमगार्ड विनोद शर्मा पर तमाम कदाचार का आरोप लगा था, जिसके कारण उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी गई थी, जिसको लेकर होमगार्ड कमांडेंट से उचित कार्रवाई करने की बात की गई थी। होमगार्ड उसी जगह ड्यूटी लगाने की बात करने लगा तो मैंने उसे दूसरी जगह ड्यूटी करने को कहा, जिस पर वह बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए होमगार्ड विनोद शर्मा एवं एसपी ट्रैफिक अतित प्रकाश वर्मा ने कहा, विनोद शर्मा, मैं आया हूँ घर से, उसके बाद गाड़ी खड़ा किया, मैं एफसी ट्रैफिक के ऑफिस में गया, मैं कहा साहब हमारी ड्यूटी लगा दीजिए, आमद कर लीजिए, तो कहा कि ऐसा है, गंदी गंदी गाली दिया हमको, गाली देकर उसके बाद हमको धक्का देकर बाहर खदेड़ दिया, उसके बाद एक बैग हमारा हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद हमारा चक्कर आ गया, चक्कर आया बस मैं गिर गया वहीं, गिरने के बाद मेरा भाई लोग उठाए ऑटो में लादे और लाद कर हॉस्पिटल ले आए, हॉस्पिटल में लाए तो एक ग्लूकोज की पानी चढ़वाए थे, ये दूसरी ग्लूकोज की पानी चढ़ रही है। ये हमारे होमगार्ड हैं, एक श्री विनोद शर्मा जी हैं और इनके द्वारा जो है अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ये जानकारी मुझको सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है। इनके द्वारा कतिपय मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये नितांत भ्रामक एवं आधारहीन है। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, क्योंकि मैं इनको पहले भी यातायात में ड्यूटी न लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड से अनुरोध कर चुका था कि एक बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी में ये विलंब से पहुँचे, तब तक ड्यूटी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। उसी तरीके से आज भी जो है 30 तारीख को जो है ये अपने ड्यूटी स्थान पर नदारद थे, जिसके कारण वहाँ पर जाम लगा था। इस विषय में इनको बताया गया कि आप अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर रहिए, लेकिन जो है वो चूँकि 30 तारीख था इसलिए हम लोगों ने उनको ज़्यादा नहीं टोका। टोकने के बाद में जो है 1 तारीख को ये मेरे पास आए थे, तो वहीं पे जहाँ पे पहले इनकी ड्यूटी लगी थी वहीं पे उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी वहीं पे लगाइए और मुझको दबाव डाल रहे थे साहब यहाँ पे ड्यूटी लगाइए। मैंने ड्यूटी लगाने से मना कर दिया, इसी कारण ये पूरा इनका आधारहीन तथ्य और बेबुनियाद है सभी जो भी बता रहे हैं, और अगर ऐसी बात है तो विस्तृत जाँच हो जाए। इनको किसी प्रकार की मुझसे शिकायत हो, जो अच्छा होगा उसको मुझसे शिकायत नहीं होगी, जो खराब होगा उसको शिकायत होगी, खराब को ठीक करूंगा, अगर वो गलत है तो उसको ठीक करूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा।